टॉक शो विद ओजान सर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ये एक ऐसा मंच है जहां पर मैं लेकर आता हूं विषय के विशेषज्ञों को, एक्सपर्ट्स को, और आपके प्रश्नों के जवाब उनके माध्यम से मैं देने का प्रयास करता हूं। दोस्तों, यूपीएससी में हिस्ट्री एक बहुत डायनेमिक, एक बहुत बड़ा पार्ट है जिसके इतने ज्यादा विन्यास होते हैं। पढ़ने में तो ये कई बार बहुत रोचक लगता है, लेकिन प्रश्नों का उत्तर देते समय बहुत उलझने पैदा होती हैं। और अगर मैं प्री की बात करूं तो ये बहुत डिसाइडिंग फैक्टर तय करता है, ये स्कोर भी करा ले जाता है और कई बार ये आपको फंसा भी ले जाता है। तो आपके सवालों का जवाब देने के लिए आज इस शो में मैं आमंत्रित करता हूं सुहेल सर को, जो कि ओजान का ईएस एकेडमी के मंच पर हिस्ट्री की बागडोर संभाले हुए हैं। हिस्ट्री में उन्होंने जबरदस्त इनोवेशन किया है और आज वो हिस्ट्री में एक नई एरा के रूप में जाने जा रहे हैं, वो ऑनलाइन और कक्षा कार्यक्रम दोनों के माध्यम से। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है सुहेल सर, और मैं उम्मीद करता हूं कि आज आपके माध्यम से मैं अपने स्टूडेंट्स के सवालों का अच्छे तरीके से जवाब दे पाऊंगा। थैंक यू सो मच एंड थैंक यू ओजान सर मुझे बुलाने के लिए, और एक ऐसा शो जो पहली बार हो रहा है, और इससे पहले शायद ही इस टाइप के शो आपने देखे हों। और मैं बहुत खुश हूँ कि 2020 की जो परीक्षा आ रही है, और इस तरीके के अगर मंच पे कुछ सवाल बच्चों तक जो उनके प्रश्न हैं उनके उत्तर मिल पाएँ तो ये बहुत बड़ी बात होगी। और मैं अपने आप को बहुत खुशनसीब समझूंगा कि यदि अगर इन प्रश्नों से आपके जो इश्यूज हैं वो रेक्टिफाई हो पाए। थैंक यू सो मच सर बुलाने के लिए। तो दोस्तों, आज हम पहला प्रश्न शुरू करते हैं, और पहला प्रश्न बहुत रोचक है। और प्रश्न आया है कि हिस्ट्री में जो डायमेंशंस हैं, अगर प्री क्रैक करना है, स्पेशली प्री 2020 की बात कर रहे हैं, तो हिस्ट्री को कैसे तैयार किया जाए और हिस्ट्री का एक ओवरव्यू क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? सबसे पहले देखें, प्री एक सबसे पहला ऑब्स्टिकल आपकी जो है एग्जाम में आता है। यदि अगर आपका प्री क्वालिफाई नहीं होगा तो जो आपके बाकी के सफ़र हैं, जो सेकंड स्टेज है या थर्ड स्टेज है, वो मुश्किल हो जाएगा। और कहीं ना कहीं हम लोग प्री को बहुत इजी लेते हैं, और हमारा ज़्यादातर फोकस इस चीज़ पे लग जाता है कि हम कब अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट को ख़त्म करेंगे और कब हम बाकी की चीज़ें कंप्लीट करेंगे। लेकिन ये आपको मान लेना चाहिए कि प्री के बिना आप बाकी की परीक्षा में नहीं बैठ पाएंगे। और प्री के लिए सबसे बड़ी बात है कि आपको टाइम बाउंड क्रिएट करना पड़ेगा, वक्त के कंप्लीट में कंप्लीट करना पड़ेगा, और ऐसा ओवरलैप नहीं करने का है, क्योंकि बहुत सारे बाकी के सब्जेक्ट भी पढ़ने हैं। और जब आप विषय हिस्ट्री की बात करते हैं तो हिस्ट्री एक बहुत बड़ा है, इसमें आपका जो है इंडियन हिस्ट्री आ जाएगा, वर्ल्ड हिस्ट्री है, फिर आर्ट एंड कल्चर है, फिर इंडियन सोसाइटी है, तो बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड हैं। तो आपको सबसे पहले टाइम मैनेज आना चाहिए कि किस तरीके के सवाल आते हैं। तो बेटर ये रहता है कि आप हिस्ट्री को डिवाइड कर दें। जैसे सबसे पहले आपको पता है कि जो ज़्यादातर पोर्शन जो हिस्ट्री का है वो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री से पूछा जाता है, तो बेटर रहता है। उसके बाद हम थोड़ा सा पीछे रिवर्स जाते हैं, और फिर उसके बाद हम एंशियंट हिस्ट्री को टच करते हैं, और फिर मेडिवल पे आते हैं, क्योंकि ज़्यादातर हमने ये देखा है कि जो यूपीएससी सवाल करता है वो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री से ज़्यादा करता है। स्टूडेंट के सामने टाइम बहुत कम होता है, बहुत चैलेंज उसके सामने आते हैं, क्योंकि सबसे बड़ा जो कंस्ट्रेंट है वो टाइम का है। अब अगर हम बात करें तो गिने चुने 100, 110 दिन बचे हुए हैं, और उसमें इतना बड़ा पोर्शन करना बहुत मुश्किल होता है। तो आपके हिसाब से अगर स्टूडेंट तैयारी करे और इस समय अगर अपने टाइम को मैनेज करे, कई हमारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो जॉब पे जाते हैं, कई जो है वो कॉलेज में हैं, कहीं वो जो है वो अर्निंग कर रहे हैं, तो आप क्या सुझाव देंगे कि मॉडर्न, मेडिवल, हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर में वो कैसे टाइम को मैनेज करें? सबसे पहले मैं उनसे निवेदन करूंगा कि कृपया करके वो यूपीएससी का एक बार सिलेबस को देख लें। देखें, यदि अगर आप उसको नहीं देख पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपसे गलती हो जाएगी। उसमें क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि हम लोग आपसे क्या पूछेंगे। बट एक चिंता मुझे जो सताई जा रही है, और जो बच्चों में अक्सर ये पाया जाता है कि सर जो सवाल होते हैं वो या तो बहुत इजी आ जाते हैं या वो इतने हार्ड होते हैं जिसके लिए आपको बहुत डेप्थ की नॉलेज ज़रूरत पड़ती है। तो मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरे कुछ कहना ऐसा हो जाए जिसकी वजह से वो गलत करें। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर बताता हूँ कि 2018 में यूपीएससी एक सवाल कर दिया, विशाल पब्लिकेशन की बुक पे आपको ये पॉइंट मिल जाएगा। तो वहाँ पे सवाल इस तरीके से किया गया था कि लाला लाजपत राय ने जो किताबें लिखी हैं वो किन के ऊपर लिखी हैं। तो वो एक्चुअली उन्होंने ग्यूस्पी मैजनी और गार बैगली और उन्होंने काउंट कैवियर के बारे में बहुत सारी बातें की हैं। अब ये क्लास 10 की एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर जो है थर्ड बन जाता है, थर्ड पे ये मिल जाएगा उनको। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि
अब बच्चा अगर वर्ल्ड हिस्ट्री नहीं पढ़ा हुआ है तो वो इसका सवाल का जवाब नहीं दे सकता था, क्योंकि वो लाला लाजपत राय को सिर्फ पढ़ता है जब लाला लाजपत राय साइमन कमीशन के बारे में, मैं जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूँ ताकि बच्चा पूरी तरह समझ पाए कि हमें कहाँ जाना है। बट अब मैं इतना भी नहीं कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि साथ में मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री आपको पढ़नी पड़ेगी, लेकिन आपको डायमेंशन बहुत डिफरेंट रखने पड़ेंगे कि कहाँ से सवाल आते हैं। ना ही कोई टीचर आपको ये बता सकता है डायरेक्टली कि सवाल यहीं से आएगा, बट हम ये कह सकते हैं कि ये पोर्शन इंपॉर्टेंट है, इसके डायमेंशन बहुत ज्यादा है और जिसके लिए आपको गाइड की बहुत ज्यादा जरूरत है। मेरा यही रहेगा कि आप पढ़ने के टाइम एटलीस्ट गाइड को एक बार कंसल्ट कर लें। डेफिनेटली दोस्तों, क्योंकि आज की डेट में जो प्री में कंपटीशन है वो बहुत ज़्यादा है। अगर रिजेक्शन रेशियो की बात करें तो जो प्राथमिक हमारा चरण होता है, यानी जिसे हम लोग प्री बोलते हैं, उसमें रिजेक्शन रेशियो सबसे हाईएस्ट है। यानी आपको बहुत स्ट्रैटेजिक वे में तैयारी करनी पड़ेगी। मैं इस बात को और कंसाइज करता हूं। जहां तक मेरी नॉलेज है तो मॉडर्न और आर्ट एंड कल्चर, ये दो ऐसे पार्ट होते हैं जहां पर सबसे ज़्यादा यूपीएससी अपना फोकस करता है। क्योंकि जब हम मॉडर्न इंडिया की बात करते हैं तो वास्तव में एक प्रशासनिक अधिकारी के रूप में आपको अपनी लीजेसी पता चलता है कि गांधी का आंदोलन या विवेकानंद या लाला लाजपत राय या सुभाष चंद्र बोस या नेहरू, बेसिकली इन लोगों ने कैसे उस राष्ट्र का जिसके अंदर आप सेवा करने जा रहे हो, जिसकी आप सर्विस को ज्वाइन करने जा रहे हो, उस राष्ट्र की नींव कैसे रखी थी, क्या उनके बेसिक सिद्धांत थे, या अंबेडकर ने जो संविधान का निर्माण किया तो बेसिकली वो क्या आपसे चाहते थे, किस तरह के वो पीपल, वी द पीपल ऑफ इंडिया की वो क्या धारणा थी। और जब हम आर्ट एंड कल्चर की बात करते हैं तो कभी भी कोई राष्ट्र तभी सर्वाइव कर सकता है जब उसको अपने कल्चर के बारे में अच्छी नॉलेज हो। और ये कल्चर हमारा हर जगह फैला हुआ है, मेडाइवल में भी है और ये एंशियंट में भी है। बट जब हम इतने विस्तार की बात करते हैं तो क्या आप मुझे कुछ टॉपिक्स यहाँ बता सकते हैं हमारे स्टूडेंट्स को कि मॉडर्न में वो किन पॉइंट्स पर सबसे ज़्यादा फोकस करें और आर्ट एंड कल्चर पर किन पॉइंट पर वो सबसे ज़्यादा फोकस करें। देखिए, यदि अगर हम पिछले 5 साल के पेपर देखते हैं, 2015 की मैं बात कर रहा हूँ, 16 की, तो एवरेज इन क्वेश्चन जो है वो कहीं ना कहीं 8 या 10 के बीच में रह रहे हैं। तो मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की बात करके दे, और सबसे ज़्यादा सवाल जो है वो एक तो हमारा जो द रिवोल्ट ऑफ 1857 है वो बहुत अहम हो जाता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मैं रिवोल्ट ऑफ 1857 को मेंस के लिए तो बहुत अच्छे से पढ़ लेता हूँ, लेकिन यूपीएससी मुझसे क्या पूछता है। अब यूपीएससी में अब स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस हो चुके हैं, ऐसे स्टेटमेंट इन द सेंस कि क्या नहीं है, और वो नॉट का जो वर्ड है ना वो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। और इसीलिए अगर आपने देखा होगा कि यूपीएससी के एग्जाम में जब ना का शब्द इस्तेमाल होता है वो कैपिटल में लिखते हैं और ब्रैकेट में दिया जाता है कि इसमें से कौन सी चीज नहीं है या इसमें से कौन सी चीज पूछी जा रही है। तो पहले क्या होता था, बड़ा सिंपल सा है कि बताएं जी कुंवर सिंह कहां से लड़े, बाकी लक्ष्मीबाई कहां से लड़ी, तो वो बहुत ईजी हो गया था। लेकिन अब यूपीएससी स्टेटमेंट बेस ऐसे क्वेश्चन पूछता है कि बताएं इन चारों में से कौन सी चीज आपको नहीं लग रही है। तो प्रॉब्लम ये नहीं है, प्रॉब्लम आपको आइडेंटिफाई करना है कि इसमें से गलत चीज कौन सी दी गई है। बिल्कुल, तो आंसर वो दे रहा है वहीं से, लेकिन आपको ये पहचानने की गलत क्या है, जो कि बहुत डिफिकल्ट है। तो उसको ईज करने के लिए आपको डेप्थ की नॉलेज लेनी पड़ेगी। तो रिवोल्ट ऑफ 1857 के बाद मुझे ये लगता है कि जो सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन बनता है आपका वो 1858 का बनता है, क्योंकि यही वो टाइम था जब इंटायरली इंडिया का जो पूरा स्ट्रक्चर जो है वो चेंज हुआ। और मैं अगर मैं 5 साल की बात करूं तो 1858 के जो हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट बना उसके ऊपर बहुत सारे सवाल किए गए, किस तरीके के वाइस आए, कैसे सेटअप किया गया। लेकिन हमारे बच्चों में ये मैंने देखा है कि वो जस्ट 1858 का कंप्लीट पोर्शन पढ़ तो लेते हैं, लेकिन बाद में उनको पता नहीं है कि पूरा इंटायरली जो हमने 1947 तक लड़ा उसी के बाद वो एक्ट आए। और उसके बाद बंगाल पार्टीशन की बात बहुत अहम हो जाती है, और लॉर्ड लिंटन का जो इश्यूज था, जी एल्बर्ट बिल का इशू आया, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद हमारा लॉर्ड डेलहौज़ी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि उनके टाइम पे बहुत सारी डेवलपमेंट हुई, और फादर ऑफ पोस्टल एरिया भी कहा गया उनको, ट्रेन के ऊपर भी काफी सारी चीजें उन्होंने की, फॉरेस्ट में भी बहुत सारी चीजें उन्होंने नहीं लेके आए। उसके बाद जो पोर्शन इंपॉर्टेंट हो जाता है वो आपका आईएनसी का पोर्शन हो जाता है कि फॉर्मेशन ऑफ आईएनसी में असल में क्या हुआ था। बट बहुत सारे जो लोग हैं, मैंने ये देखा है कि वो स्टोरी याद रखते हैं, इट्स नॉट अबाउट अ स्टोरी। यदि अगर आप इतिहास को एक स्टोरी पढ़ लेते हैं वो ठीक है, लेकिन यूपीएससी आपको स्टोरी नहीं पूछेगा। यूपीएससी हमेशा आपको स्टेटमेंट बेस्ड और कंपैरिजन करेगा, एनालिटिकल अप्रोच में पूछेगा कि यदि अगर आईएनसी ना बनती तो क्या हिंदुस्तान में कोई और ऐसी चीज थी जो आजादी लाती, तो ये सब कोर्स ला सकती थी, क्योंकि उसके पहले भी 12 पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बनी, जैसे बंग भाषा प्रवासिका पहली बन गई, उसके बाद जो है जमींदारी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बनी। तो एक आपको व्यू होना चाहिए कि सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और बहुत बार सवाल इस बार मेंस में भी सवाल थे, यूपीएससी प्री में भी सवाल कि कितने ऐसे हमारे सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट हुए। उसके बाद मुझे जो इंपॉर्टेंट पोर्शन लगता है वो है आपका गांधीयन,
गांधी को हम लोग जो है विद इन इंडिया पढ़ते हैं, बट मुझे ये लगता है कि यदि एक बच्चा जब तक गांधी को साउथ अफ्रीका में नहीं पढ़ पाया तो वो गांधी जी को इंडिया में प्रॉपरली नहीं पढ़ पाएगा। और उसके बाद की पोर्शन में मुझे रोलेक्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट लगता है, काफी सारे सवाल पूछे गए हैं और गांधी क्या एक बहुत अच्छी चीज बोली है, बहुत सारे हिस्टोरियन ने बोला था कि गांधी छोटे छोटे मुद्दों को बहुत बड़े मुद्दा बनाते थे, वो उनकी सबसे बड़ी खूबी थी। तो आपको उनके छोटे छोटे मुद्दों को पढ़ना पड़ेगा कि यदि अगर उन्होंने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट की उससे क्या इंपैक्ट पड़े। हम क्या करते हैं कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को विद इन द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, आपको पता होना चाहिए नॉन कोऑपरेशन से साउथ साइड में क्या फर्क पड़ रहे थे, ट्राइबल एरिया के साथ क्या हो रहा था, जो पिछड़ी हुई जाति थी उनके साथ क्या हुआ, क्या उस समय जो रिजर्व जैसे हम जिनको हम हरिजन का शब्द दिया जाए अनटचेबल, क्या वो उस समय पार्टिसिपेट कर रहे थे, क्यों बी आर अम्बेडकर नहीं जुड़े, ऐसे सवाल बनते हैं। और उसके बाद मुझे लगता है कि मुस्लिम लीग का बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले हो जाता है कि 1920 से लेके 1947 तक उनका इंपॉर्टेंट रोल। और फिर गांधी का मुझे ये लगता है कि साइमन कमीशन रिपोर्ट आपको बहुत अच्छे से पढ़ लेनी चाहिए, और स्वराजिस्ट पार्टी कि सीआर दास और मोतीलाल नेहरू के बीच में ये जो हुआ ये क्यों हुआ, अजमल खान क्यों छोड़ के गए, ये नाम कुछ ऐसे हैं जो आपको याद रखने पड़ेंगे। और लाहौर सेशन 1929 एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि ये लाहौर सेशन के थोड़ा सा कंफ्यूजन बच्चों को रहता है कि अगर गांधी चाहते तो क्या लाहौर सेशन हो पाता। तो उसके बाद मुझे लगता है गांधी इरविन पैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, और उसके गांधी इरविन पैक्ट में मुझे सबसे इंपॉर्टेंट इस पीरियड में कराची सेशन लगता है क्योंकि फंडामेंटल राइट्स की बात हुई। और अगर आप चर्चा में देखेंगे तो अभी राइट्स बहुत ज्यादा चर्चा में है, करंट अफेयर्स बहुत ज्यादा है कि क्या हुआ हमारे राइट्स के साथ वहां से। फिर 1932 में जो पूना पैक्ट हुआ और गांधी किस तरीके से बी आर अम्बेडकर से मिले, और रैमसे मैकडोनल्ड जो उनका अवार्ड था उसके साथ किस तरीके की अप्रोच थी, क्या लिखा गया था गांधी और जो बी आर अम्बेडकर है उनके बाद जो पैक्ट हुआ क्या क्या पड़े उसके इम्पैक्ट बाद में। और उसके बाद आपका 1934 और 35 जो कि आपको एक एक्ट देता है, दैट इज एक्ट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 विच इज ऑल्सो नोन एज वाइट एक्ट। तो क्यों साइमन कमीशन की रिपोर्ट पे वो बनाया गया और काफी सारी चीजें उसमें इंक्लूड की गई, और फिर वहां से शुरू हुई हमारी एक नई तरीके की जिसमें बहुत सारे हमारे लीडर्स ने पार्टिसिपेट किया। और अचानक से फिर वर्ल्ड वॉर के बारे में आपको पता होना चाहिए कि क्यों रिजाइन किया उन्होंने, और फिर 1940 से लेके 1947 तक जो आपको पढ़ना है दैट इज कि जो ऑफर आपको मिले गवर्नमेंट ऑफ ब्रिटिश से जो ऑफर मिले जैसे अगस्त ऑफर हो गया, फिर कैबिनेट मिशन, क्रिप्स मिशन, इनके बारे में आपको विस्तार पता होना चाहिए क्योंकि वो ये आपसे पूछता है वहां पे क्रिप्स मिशन में ऐसी कौन सी चीज नहीं थी। और उस समय कंफ्यूज होता है कि क्या ये मैंने क्रिप्स मिशन में पढ़ा था, ये कैबिनेट मिशन में पढ़ा था। बिल्कुल सही। तो ये वो पार्ट्स हैं जो आपको बहुत इंपॉर्टेंटली याद करने पड़ेंगे। बहुत खूब, इतना फ्लो में चीज़ों को स्ट्रक्चर करना अपने आप में एक बहुत बड़ी कला है, और यही सुहेल सर की बहुत इंपॉर्टेंट है कि उन्हें पेज बाई पेज चीज़ें याद है और वो अपने स्टूडेंट के दिमाग में ये चीज़ें डालते रहते हैं। तो इन्होंने दो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ों पर बात की कि आपको क्या चीज़ों पर बहुत फोकस रखना है, दूसरा इस पर फोकस क्यों और कैसे रखना है, आप उसको इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच के साथ पढ़ेंगे। अगर मैं बात करूं इन दिनों तो जो हिस्ट्री है उसके क्वेश्चन अटेम्प्ट करते समय कई बार जैसे आपने कहा कि नो पर बहुत फोकस करना है, निगेटिव मार्किंग बहुत ज्यादा हो जाती है, कई बार हमें वो बारीक चीज नहीं पता चलती है कि वायसराय की इस कमेटी में ये शख्स था या नहीं था, या ये चीजों को इन्वाइट किया गया कि नहीं किया गया। तो जो स्टूडेंट अगर प्री के क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं तो उनको क्या सावधानियां रखनी चाहिए, क्या उनको खास बात ध्यान रखनी चाहिए? मैं सबसे पहले ये निवेदन करूंगा कि आपको सेगमेंट अलग अलग करने पड़ेंगे। पहली चीज तो ये अलग करनी पड़ेगी कि कमीशन कितने आए उसको अलग कर दें, फिर आपको देखना पड़ेगा कि एजुकेशन के ऊपर कितने कमीशन बने। उसके बाद जो हमने ये देखा कि जो इकोनॉमिक चीजें थी, जो इकोनॉमिक पॉलिसी थी वो कैसी थी, उसको अलग कर दें। यदि अगर आप देखेंगे एक सवाल मैं यूपीएससी का अपने बच्चों को बता दूं, शायद मे बी उन्होंने नहीं पढ़ा होगा, क्लास 8 की एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 1 पे क्या चीज दी गई है कि वहां पे इकोनॉमिक पॉलिसी बताई गई थी ब्रिटिशर्स की, कि तीन पॉलिसीज दी, जैसे उसमें एक जमींदारी है सिस्टम है, उसके बाद उन्होंने रियोतवारी सिस्टम है, और हमारे पास महलवारी सिस्टम है। लेकिन यूपीएससी सवाल किया था, जबकि बुक में बिल्कुल मेंशन नहीं है कि इसमें से सिस्टमैटिक थ्योरी कौन सी मानते हैं आप, तो सिस्टमैटिक थ्योरी उसमें थी रियोतवारी, क्योंकि उसमें 60-40 का देते थे, यानी 60 आपका जो है वेट जमीन और 40 जो है ड्राई जमीन दी जाती थी। बच्चे को ये कंप्लीट पता होना चाहिए, मुझे यह पता है कि एजुकेशन के बारे में क्या डेवलपमेंट हुई, मुझे यह पता होना चाहिए इकोनॉमिक के बारे में, पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में। तो उसको अलग अलग सेगमेंट में बात करनी पड़ेगी, और जब वो आंसर का जो प्रेशर रहता है जब हम प्री के लिए जाते हैं, तो मैं उनसे यह निवेदन करता हूं यदि अगर आप एक सवाल अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे हैं हिस्ट्री का, उसके ऊपर अपना वक्त ज्यादा ना दें और आगे के एक सवाल के लिए जाएं। बहुत सारे बच्चों का यह रहता है कि सर, और हिस्ट्री के मार्क्स को हम पॉकेट मार्क्स कहते हैं, यानी कि उठाने की चीज होती है, क्योंकि यदि अगर आप हिस्ट्री में गलत कर रहे हैं
तो आपके लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो बहुत स्टैटिक है। यदि अगर यहां गलती करते हैं तो आगे बहुत परेशानी हो सकती है। तो मैं ये कहूंगा कि आप चीजों को आज ही से नोटिस कर लें कि कौन से फोकस एरियाज है, और नेगेटिव मार्किंग को आपको याद रखना पड़ेगा, गलत उत्तर ना दें। और बुक्स जब खासकर बात की जाती है कि ये बुक किसने लिखी है, तो उस समय हम क्या करते हैं कि हम ऑड और इवन ढूंढने शुरू कर देते हैं, ये मैंने क्लास में पढ़ा था, ये मैंने वाला क्लास में नहीं, तो चलो ये। लेकिन मैं मेहरबानी करके ऐसा कहूंगा कि बिल्कुल ऐसी चीजें ना किया करें, क्योंकि ऐसी बुक्स बहुत सारी हैं जो एक कॉमन नाम है और बहुत सारे लोग हैं उन्होंने उसको लिखा भी है। अभी रिसेंटली ऐसी चीजें मेरे सामने आई भी हैं। तो दोस्तों ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट रहा कि आपको क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करना है। बहुत इन्होंने एक बात पे फोकस किया कि आप अगर हिस्ट्री, जिसको हम लोग कहते हैं कि पॉकेट मार्क्स, अगर आप उसमें अच्छा नहीं कर पाते हैं तो यूपीएससी में प्रवेश करने की जो आपकी संभावनाएं हैं वो काफ़ी कम हो जाती हैं। और चूंकि अब ये बात समझ में आ रही होगी कि एक बहुत बड़ा डायमेंशन हमें बहुत कम टाइम में कवर करना है, हार्डली 100 दिन का हमारे पास समय बच रहा है, और ऐसी कंडीशन में हमें उस एग्जाम को नॉकआउट करना है जो इस समय सबसे ज़्यादा प्रेशर झेल रहा है, तो इसी को देखते हुए हम लोगों ने जो प्री स्पेशल बैच शुरू किया है, जो ऑनलाइन और कक्षा कार्यक्रम, उन दोनों में आपको बहुत मदद करेगा और आपकी टाइम को बहुत ज़्यादा वो कर्व करेगा। आप टाइम को प्रिसाइसली यूज़ कर पाओगे, और एक बार जब प्री निकल जाता है तो कॉन्फिडेंस बहुत हाई पहुंच जाता है, बहुत ऊंचे लेवल पर पहुंच जाता है, समाज भी एक सम्मान की नज़र से देखता है, यस इसने प्री क्वालिफाई कर लिया, ये मेंस तक पहुंच रहा है। तो ये भी हमारे लिए एक बहुत पॉजिटिव जो है वो एक सेगमेंट होता है। चलिए हम सर से एक और क्वेश्चन पूछते हैं, और वो ये पूछते हैं कि जब जैसे जैसे समय बीतेगा स्ट्रेस मैनेजमेंट कैसे किया जाए। बहुत तनाव होता है बच्चों के बीच में, और खासतौर पे हिस्ट्री के जो 5 सेगमेंट्स हैं टोटल, और उसमें भी बहुत ज़्यादा वैरायटी है, तो वहाँ पर स्टूडेंट ये सोचता है कि मैं मॉडर्न पहले पढ़ूँ या आर्ट एंड कल्चर पढ़ूँ, या थोड़ा सा एंशियंट भी देख लूँ, क्या पता इस बार मेडाइवल से क्वेश्चन आ जाए। तो ये स्ट्रेस मैनेजमेंट को वो कैसे डील कर सकता है? मुझे लगता है कि इंटायरली मेरी पूरी इतनी जब जिस समय से मैं पढ़ा रहा हूँ और खुद भी जब मैं प्रिपरेशन में था, मुझे लगता है कि हिस्ट्री को आपको एंजॉय करना पड़ेगा। यदि अगर आप हिस्ट्री को एज ए स्ट्रेस लेवल का बुक लेंगे तो शायद यह मुश्किल है आपके लिए, डैम इम्पॉसिबल है कि आप करें। आपको एक ऐसे बहुत अच्छे एक जो है स्कॉलर रहे, उन्होंने कहा, ईवी टेलर उनका नाम है, पहले पर्सन थे जिन्होंने कल्चर के बारे में डेफिनेशन, ही सेड दैट कल्चर इज अ वे ऑफ लाइफ, है जीने का एक ढंग है, विच इंक्लूड मॉरल बिलीफ कस्टम्स ट्रेडिशंस। तो अगर आप अपने कल्चर के बारे में पढ़ रहे हैं, आप अपने मॉरल वैल्यूज के बारे में पढ़ रहे हैं, तो आपको एंजॉय करना चाहिए। यदि अगर आप उसको एंजॉय करके कि मेरे पिछले कैसे रहा करते थे, हमने आजादी कैसे पाई, गांधी जी किन किन चीजों के ऊपर ज्यादा फोकस किए, हमारी इकोनॉमिक पॉलिसी कैसे बनी, कितने मुश्किल बी आर अम्बेडकर को हो रहा था डिसाइड करना कि मैं किस तरीके का कॉन्स्टिट्यूशन बनाऊं, ये एक ऐसी चीज है जो फाउंडेशन रखता है आपके लिए, आपकी आने वाली लाइफ के लिए। क्योंकि जो जनरेशन आप क्रिएट कर रहे हैं वो आपसे कल पूछेंगे कि पापा या बाकी के जो कि ये जिंदगी जो है, जो हम लोगों को देश मिला है किस तरीके। सो वंस यू स्टार्ट रीडिंग द हिस्ट्री तो आपको ये फील आएगा कि नहीं, मैं बहुत कुछ जानता हूं, और उसी पे नींव रखी जाती है। यदि अगर मैं बात करता हूं कि आप पॉलिटी की बात करें, चैप्टर फर्स्ट की बात करते हैं, तो पहला जो शब्द उसमें इस्तेमाल है वो यही है कि ये रेगुलेटिंग एक्ट जो आया, जिसने पूरी हिंदुस्तान को, हमने ब्लैक एक्ट के नाम से उसको जानते हैं, बदल के रख दिया, कि क्राउन रूल का इंपैक्ट पड़ा, हिंदुस्तान को कैसे लूटा गया, हमारे रिसोर्सेज कैसे खत्म हुए, जंगलों का जो अभी जो प्रदूषण की हालत बनी हुई है, इसके पीछे कहीं ना कहीं ब्रिटिश का कारण है। और हम लोग ज्यादातर अपने बच्चों को कहते हैं कि यार ये हो गया, तो हमें ये समझाना पड़ेगा उनको, हिस्ट्री को आपको एंजॉय करना पड़ेगा। वंस यू डन लाइक दैट, मुझे लगता है कि दुनिया का कोई भी सब्जेक्ट आपको जो है हिस्ट्री जैसा नहीं लगेगा। और मुझे उम्मीद है कि यदि अगर आप कभी मेरी क्लास दें तो बहुत अच्छा। और मैंने इसीलिए ये पढ़ा कि मुझे अच्छा लगता है कि मैं अपने कल्चर के बारे में कितनी जानकारी रखता हूं। जिस दिन वो चीज आपको पता चल गई, दुनिया की कोई भी ताकत आपको कामयाबी से नहीं रोक सकती। और सर ने एक चीज जो ऐड की, वो मैं एक और चीज बता देता हूं कि अब स्ट्रेस लेवल ये है कि कहां जाएं, मॉडर्न जाएं, एंशिएंट जाएं, मेडिवल। मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा आप पहले मॉडर्न पीरियड को खत्म कर दें। देखें, मैं खुद के एक्सपीरियंस के हिसाब से नहीं बोल रहा हूं, यदि अगर आप कोई भी आर्यन पब्लिकेशन बुक देख लेंगे तो आपको पहले पन्ने पे इंडेक्स पे एक चीज दिखेगी, उसमें ये दिया है 2015 2016 2017 18 19 में कहां से सवाल आए, तो आपको दिखेगा कि मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री से ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं। बट याद रखिएगा, सवाल एनालिटिकल होते हैं, डायरेक्टली नहीं पूछता है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। दूसरी चीज, आपको ये पता चलेगा कि सवाल आर्ट एंड कल्चर से, अभी पूछ डाला कि बताएं जी अशोका के पहले स्तंभ जो है उस पर क्या लिखा है, मेरे लिए मुझे लगा कि ये सवाल बहुत डिफिकल्ट है। लेकिन यदि अगर आपने पढ़ा होगा तो उनके पहले स्तंभ में ये लिखा है कि एनिमल्स को नहीं मारना चाहिए, और सवाल ऐसे नहीं पूछा था कि क्या उसने लिखा है, उन्होंने बोला कि पहले स्तंभ और दूसरे स्तंभ में क्या फर्क था।
तो उसमें ये है कि पहले स्तंभ में वो लिखते हैं कि एनिमल्स को मत मारो, और दूसरे स्तंभ में ये लिखा हुआ है कि जो रूट्स होते हैं, मेडिसिन जो की जाती है, वो बहुत बेनिफिशियल है फॉर बोथ फॉर ह्यूमन एंड एज वेल एज एनिमल। इस तरीके के सवाल बोलेगा कि कलिंगा वॉर जो हुई थी तो वो किस स्तंभ में लिखी गई है, अफगानिस्तान में कौन सा स्तंभ है और उसमें कौन सी लिपि का इस्तेमाल किया गया, लैंग्वेज का इस्तेमाल किया गया, नेपाल में कौन सा स्तंभ है, उनका क्या लिखा गया है, ऐसी चीजों पे आपको फोकस करना पड़ेगा। तभी मैं हमेशा क्लास में कहता हूं कि यदि अगर ये नॉलेज की रेस होती तो दुनिया की हर ताकत इस यूपीएससी को एग्जाम को क्वालिफाई। इट इज अबाउट अलर्टनेस, आप कितनी चीजों को अलर्ट तरीके से देते हैं। नॉलेज की गेन नहीं है यदि आपके पास बहुत, और मैं ये बताना चाहता हूं प्लीज रिसोर्सेज कम रखें, एक बुक रखें उसी को रिविजन करें, क्योंकि रिविजन से ही आपकी जो समस्याएं हैं वो दूर होंगी। और शॉर्ट शॉर्ट नोट्स बनाने की मैं बोलूंगा, और एक बार आप शाम को सोते हुए एक बार क्रॉनिकल ऑर्डर में अगर आप हिस्ट्री पढ़ें तो बहुत अच्छा है। क्रॉनिकल ऑर्डर में क्या मैंने देखा है, मेरा खुद का एक्सपीरियंस रहा है, मैंने गांधी जी का क्रॉनिकल पीरियड फ्रॉम स्टार्टेड फ्रॉम 1915 टू अगर 1947 तक, आप मुझसे अगर डेट पूछेंगे तो मैं सारी डेट बता दूंगा आपको कि कब क्या हुआ। तो उसका ये इंपैक्ट मेरी लाइफ में, मुझे मैंने ये सीखा कि अगर मैं 50 दिन के बाद भी पढ़ रहा हूँ मुझे वो भूल नहीं रहा है। बट रिमेंबर वन थिंग, अब हिस्ट्री भी बहुत करंट अफेयर से पूछा जाता है, अभी खोज एक हो गई, ये कहाँ पे हुई, हड़प्पा सिविलाइजेशन के बारे में, तो काफ़ी सारी चीज़ें मैं ये कह सकता हूँ कि डोंट टेक इट वेरी ईजी जो आप लेते हैं, आपको एक प्रॉपर गाइड की ज़रूरत। और सर ने जो बोला कि जो प्री बैच हम स्टार्ट कर रहे हैं, मेरा ये कहना है कि सर का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि इस समय जब बच्चा बहुत ही कन्फ्यूज है, सर यहाँ दौड़े वहाँ दौड़े, उस समय पे एक ऐसी चीज़ देना, और ये सबसे बड़ा चैलेंज उस टीचर के लिए होगा जिस टीचर पर ये उम्मीद की जाएगी कि हम आपको एक बच्चा सौंप रहे हैं, क्या सोहेल सर या बाकी के टीचर आप मुझे इनसे रिजल्ट निकालेंगे, क्योंकि रिजल्ट तो कुछ दिन के बाद आ जाएगा, तो सब क्लियर हो जाएगा कि टीचर ने कितना दिया। सो इट्स गोइंग टू बी टफ फॉर बोथ टीचर, बट आई होप कि सर ने जो हम पे दया दिखाई और उम्मीद दिखाई है, इंशाल्लाह उस पे खड़े उतर पाएंगे। दोस्तों स्ट्रेस मैनेजमेंट में एक चीज और जोड़ना चाहूंगा, स्ट्रेस डिमांड सप्लाई गैप से क्रिएट होता है। जैसे डिमांड सप्लाई क्या गैप है, इस समय आप पूरे साल की तैयारी के बाद आप आखिरी चरण में हैं, एक एक दिन अब काउंट होगा, एक एक दिन जो है काउंट डाउन शुरू हो चुका है 31 मई का। अब यहाँ आपसे डिमांड होगी कि आप ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करिए, नई चीज़ों पे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लगाइए, और अगर आप उसको सप्लाई नहीं कर पा रहे, यानी अभी आप ये सोच रहे हैं कि मैं कौन से पोर्शन पे पहले शुरू करूँ, मैं पहले क्वेश्चन लगाऊँ या पहले मैं बाकी चीज़ों को करूँ, तो आपका बहुत बड़ा टाइम कन्फ्यूजन में बीत जाता है। और धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीतता चला जाता है आपको लगता है कि डिमांड सप्लाई गैप मेरा बढ़ता जा रहा है, और जितना ये गैप बढ़ेगा उतना ही बड़ा स्ट्रेस का राक्षस अंदर खड़ा होता जाएगा। और ये आंकड़े कहते हैं लगभग 13 लाख बच्चों ने पिछले साल फॉर्म भरा और इसमें से 50% ने फॉर्म भरने के बाद ड्रॉप कर दिया, एग्जाम नहीं दिया, वो सेंटर नहीं गए क्योंकि उन्हें लगा कि उनकी तैयारी अच्छी नहीं है। लेकिन ये फॉर्म एग्जाम से जस्ट 3 महीने पहले भरे गए थे, यानी फरवरी तक वो इस बात को लेकर अवेयर थे कि मुझे एग्जाम देना है, और सडनली कुछ ऐसा हुआ, कोई ऐसा फियर फैक्टर आया कि उन्होंने एग्जाम को ड्रॉप आउट कर दिया। तो इस समय जो हम लोग एक नई मैथोलॉजी लेकर आ रहे हैं, रिवर्स स्टडी मेथड RSM, बहुत ही इनोवेटिव टेक्नोलॉजी है जो आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप करेगी यूपीएससी प्री के लिए। ये एक ऐसी मैथोलॉजी है जहां हम आपको आपके कंटेक्स और आपके क्वेश्चंस दोनों के साथ ऐसा ब्रशअप करेंगे कि एक्सेस 75 डे पे, यानी कि जो इसका लास्ट डे होगा वो 18 अप्रैल या 19 अप्रैल है, और उस दिन आप कॉन्फिडेंट हो चुके होंगे यस अब मुझे जो प्री क्वालिफाई करने से रोक नहीं सकता अगर मैंने इसको सीरियसली किया है। और ये जो आपका कॉन्फिडेंस होगा, क्योंकि आप मिड अप्रैल में इतना कॉन्फिडेंस हो चुके होंगे, आपके पास 1.5 महीना फिर भी होगा, और जो आप करंट अफेयर्स या अदर चीजें हैं उन पर आप अपना बहुत अच्छा फोकस कर पाएंगे, और मैं उम्मीद करता हूं कि इसके बाद आपसे प्री निकालना आपके लिए बहुत आसान होगा, स्पेशली वो लोग जो वर्किंग है जिन्होंने पूरे साल बहुत अधिक टाइम नहीं दिया और वो प्री क्वालिफाई करना चाहते हैं, सम्मानजनक स्थान चाहते हैं, उनके लिए तो डू और डाई बैच, या जो पहले भी प्री दे चुके हैं और उनके गोल्डन अटेम्प्ट खराब हो चुके हैं और इस बार वो दबाव में हैं और रिस्क नहीं ले सकते कि इस बार भी मैं जो है वो ट्रायल एंड एरर मेथड पे जाऊं, श्योर शॉट मुझे चीजें करनी है, मुझे टू द पॉइंट करना है, तो उनके लिए तो ये बहुत ही मस्ट बैच है। इसमें आप आ सकते हैं और इसका पार्ट बन सकते हैं। ये बैचेस ऑनलाइन भी हैं और ये कक्षा कार्यक्रमों में भी हैं, तो इसका हिस्सा बने। 15 जनवरी से जो है ये बैच शुरू हो रहा है हिस्ट्री के साथ, और डे टू डे का शेड्यूल आप लेकर जाइए। लगभग 2500 प्रश्नों से हम आपको इससे गुजारेंगे और यहां पर हम उस चीजों को ब्रशअप करेंगे कि आपसे क्या गलतियां होती हैं और जो लूप होल्स हैं उसको आप कैसे पूरा कर सकते हैं। तो जुड़े रहिए दोस्तों, और अपने इस होस्ट को आप
विदा दें, बहुत बहुत धन्यवाद और मिलते हैं अगले शो में। और सुहेल सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने सवालों के जवाब दिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच।